हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषि आनंद है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये जो मैंने वीडियो बनाई है वो एक्चुअली मैंने एक किरण की जो बुक होती है, किरण पब्लिकेशन की बुक होती है, एसएससी मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज शॉर्ट पेपर्स, जिसमें क्या होते हैं ना, प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं। और ये जो मैंने डाल रखा है, ये अभी जो लेटेस्ट चल रहा है शायद 1800 प्लस का चल रहा है। इसमें आपको क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो कुछ जो सॉल्यूशन होते हैं वो आपको शॉर्टकट से नहीं मिलते या नहीं भी समझ में आते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी बुक का एलजेब्रा का जो टॉपिक का जो क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन में से जो जो कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि इसका आपको पता होना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, उन्हीं सारे क्वेश्चन का मैं आपको इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा किस नाम से होगा, ये वीडियो एसएससी मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज के नाम से होगा और इसमें इसी बुक के आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, मैं एलजेब्रा का जो एलजेब्रा टॉपिक का जो मैं सॉल्यूशन है इस बुक से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप क्वांटम कैट बुक में देखोगे, जो कि सर्वेश केवर्मा द्वारा लिखी गई बुक है, तो उसमें एलजेब्रा का वैसे क्वेश्चंस नहीं है जो कि एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस बुक का ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस बुक में भी वही सारे क्वेश्चन है जो कि एसएससी के एग्जाम में पूछे गए। तो इससे, इस वीडियो से आपको काफी हेल्पफुल होगा अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, या एसएससी या कोई भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, अगर आप इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो वीडियो होगा काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके सवाल लूंगा और उसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, और मैं आशा करता हूँ कि जितना भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा सभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ और, ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही वो जरूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे मैं अंदाज़ा लगा पाता हूँ कि इस वीडियो को कैसा बनाना है जिससे आपको काफ़ी आसानी से समझ में भी आ जाए और आपको अच्छा भी लगे देखने के दौरान। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा ये वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ ये अच्छी बनेगी वीडियो, आपको अच्छा लगेगा ये देखने में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सवाल लेते हैं हम लोग, देखते हैं एक एक करके सवाल, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अभी टाइप वन चल रहा है और टाइप वन में मैं आपको पहले जो 6 सवाल थे वो आपको बन जाएंगे, वो कॉमन सेंस का भाग था, बस ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है ना, ये सवाल जो एसएससी सीजीएल टीयर वन में पूछे गए हैं, जो कि 2011 में पूछे गए हैं। ठीक है, सेकंड सिटिंग में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ इस बुक का क्वेश्चन क्योंकि सब ईयर वाइज है, आपको इसी तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर √(5+1) बटे में √(5-1), देन द वैल्यू ऑफ 5x² - 5x-1 इज। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे हम लोग कर सकते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको दे रखा गया है, क्या गया है, x इज इक्वल टू बड़ा सा एक रूट अंडर है और उसके अंदर कौन सा आपका √(5+1) और बटे में कितना आपको √(5-1). तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका रैशनलाइजेशन कर लेंगे। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी नीचे दिया रहता है ना उसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर में भी √(5-1) से गुना करूँगा और नीचे भी कितने से गुना करूँगा, √(5+1) से, सॉरी +1 से। ठीक है, जो भी नीचे आपका साइन रहेगा उसके अपोजिट साइन से हमको गुना करना होता है। ठीक है, तो जब हमने गुना किया तो यहाँ पर क्या पाया, √(5+1)² और बटे में कितना आ जाएगा, ये देखिए ये √(5-1) और ये कितना हो जाएगा √(5+1), तो क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा, a - b × a + b है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5-1, ये होगा ना, √(5² कितना हो, 5, 1² कितना होगा, 1 ही होगा, और ये आ जाएगा आपको फिर से रूट के अंदर। जब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या पाया, ये आ जाएगा आपका √(5-1)² और बटे में आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा होल ऑफ द रूट, और रूट जब हटाते तो ये कितना आ जाएगा, √(5+1)² ये कितने के बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, √(5+1)² ठीक है, ये वैल्यू आ गया आपका √(x) का,
एक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। अब चलिए देखिए, अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पूछा क्या गया, 5x² - 5x - 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 5x², ठीक है, -5x - 1। अब चुपचाप जहाँ जहाँ जैसे जैसे वैल्यू दे रखी है पुट कर देता हूँ, 5 × ये आ जाएगा आपका √5 + 1 का होल स्क्वायर, x बराबर यही है ना। और नीचे में कितना लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, ठीक है, -5, और रूट अंडर कितना हो जाएगा, √5 + 1, बटे में कितना ले लेंगे यहाँ पे 2, और ये लिख लेंगे -1, ठीक है। अब चलिए इसको इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 5/4 लिख लिया, इसको तोड़ देते तो ये कितना जाओ 5 + 1 + 2 √5, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको, 5√5 + 5, गुना कर दिया है इसको और बटे में 2 लिख लिया, -1। अब एक काम करते हैं, सबका एलसीएम ले लेते, सबका एलसीएम लोगों तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इनका एलसीएम ले तो कितना है, 4 आया। अब देखो 4 है यहाँ पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये 5 और ये कितने, 6 हो जाएंगे, 6 को गुना कर दिया कितने से, 5 से, तो कितना हो जाएगा 30, और ये कितना, जो 5 × 2 = 10, √5, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब देखो 2 × 2 = 4, और 2 से ऊपर गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, यहाँ पर कितना लिखो, √10, ठीक है, और यहाँ पर -10, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना लेंगे, 4, ठीक है ना। एलसीएम लिया हमने, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 है और ये 10 है, 30 और -10 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 20 - 4 कितना हो जाएगा, 20 - 4 हो जाएगा 16, कितना लिखोगे, 16/4, ठीक है, ये हो जाएगा 4 से चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, तो 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैं जो सवाल ले रहा हूँ मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आसान हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो, तो ऐसा पैनिक नहीं होना है, ठीक है। कुछ लोगों को ये आसान भी लग रहा होगा, तो मैं सबको लेकर चल रहा हूँ, तो आप टिपिकल सवाल भी आएंगे, हर तरह के सवाल आएंगे, ठीक है, जिसमें मैं ट्रिक भी आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो इसका जवाब कौन सा हो गया, तीसरा नंबर, 4 क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं हम। तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, जो कि 2000 में पूछा गया है, सीजीएल के प्रीलिम्स में, ठीक है। देखिए, इफ एक्स इज इक्वल टू 7 - 4√3, देन द वैल्यू ऑफ x + 1/x। देखो इसका ट्रिक क्या है, सबसे पहले ये जान जो, देख के जवाब करना, पेन छूने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब भी इस तरीके का दिया रहता है ना, देखिए आप इसका स्क्वायर निकालो तो कितना आएगा, 49 आएगा 7 का, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका स्क्वायर निकालो तो कितना आता है, ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, तो 16 कितना हो जाएगा, 48। देखिए इधर 49 आया और इधर में कितना आया, देखिए इधर में 49 आया और इधर में कितना आया आपको, 48 आया, 48, दोनों को माइनस करो तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब भी ऐसा आपको दिया रहता है जिसका 1 आया आंसर, तो इसके आगे वाला जो भी होता है ना, आगे क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है ना, इसको 2 से गुना कर दो, मतलब जितना दिख रहा है उतने में उतना ही जोड़ दो, मतलब 7 + 1 कितना हो जाएगा, 14, और 14 क्या हो जाएगा इसका, 14 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आंख बंद करके करना, और कुछ नहीं करना है। देख लीजिए कैसे होता है। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा गया, एक्स इज इक्वल टू बोला गया 7 - 4√3, ठीक है। आप हमेशा लेकिन यही करना, मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके पीछे का कारण क्या। अब पूछा जा रहा है आपसे कि 1/x क्या होगा, तो 1/x के लिए क्या करोगे, एक्स की कितनी वैल्यू दे रखी है, 7 - 4√3, तो कितना लिखोगे, 7 - 4√3 लिखोगे ना। अब यहाँ पे फिर से वही काम करूंगा मैं, रैशनलाइजेशन करूंगा, तो जो भी नीचे दे रखा गया उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर देना, गुना कर देना, 4√3 हो गया, तो ऊपर में कितने से मैं गुना करूंगा, 7 + √4√3, और इधर में भी कितने से गिनिया किया, 7 + 4√3, चलिए गुना कर देते हैं, तो गुना कर दिया तो ऊपर में आ जाएगा 7 + 4√3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 49 आएगा ना भाई, 7 × 7 = 49, और ये कितना आ जाएगा, 48, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपको 7 + 4√3, मतलब 1/x कितने बराबर हो गया, 7 + 4√3, ठीक है। बट हमने निकालना क्या था, ये वाला पार्ट निकालना था, तो यहाँ पर कितना लिया, x + 1/x, ठीक है। तो x कितना है यहाँ पे, 7 - 4√3 है, ठीक है, और प्लस में कितना लगोगे, 7 + 4√3, ठीक है, ये 4√3 4√3 कैंसिल हो गया, 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14,
तो 14 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको शॉर्टकट से करना है, आपने यही चुपचाप कर देना है, जो भी आगे रहेगा उसको 2 से गुना कर दो या उसमें उतना ही जोड़ दो, तो जो आंसर आ जाएगा वही क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल करते हैं हम। तो देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और अगला सवाल क्या है, इफ वन इज स्मॉलर देन एक्स एंड एक्स इज स्मॉलर देन सॉरी वन इज स्मॉलर देन एक्स एंड एक्स इज स्मॉलर देन टू, देन द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट अंडर प्लस स्क्वायर रूट अंडर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ना, वन और टू के बीच में एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी टू से छोटा होगा और वन से बड़ा होगा। तो हम एक काम करते, एक सपोज कर लेते हैं कि एक्स जो है ना वो कितने बराबर है, 1.5। ठीक है, मैंने सपोज कर लिया एक्स इज इक्वल टू कितना, 1.5। तो हमसे पूछा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ इतना, इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो 1.5 बोला है, तो मैं यहाँ पे ये भी चीज़ तो बोल सकता हूँ कि 3/2 लिख सकता हूँ इस तरह से फ्रैक्शन में, या 1.5 ही रहने दो। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू कितना ले लिया, 1.5। अब चलिए रूट अंडर आ जाते हैं, तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो एक्स कितना दिया हुआ, 1.5, वन का होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, प्लस और इधर रूट इधर में क्या लिखा हुआ, एक्स 1.5 का माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको जब स्क्वायर का इसका जब माइनस करें तो कितना आएगा, 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.5 ही आएगा, तो लेकिन किस में आएगा, माइनस 1.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर। ठीक है, इसको तो हम लोग 0.5 लिख सकते हैं, रूम स्क्वायरिंग हटाया तो। अच्छा, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा ना, इसका कितना आ जाएगा आपको, प्लस में आएगा 2.25 आएगा, इसको लिखा 0.5, फिर से जब इसका स्क्वायर रूट हटाया तो कितना लिखेंगे, 1.5, दोनों का ऐड किया कितना आ गया आपका उत्तर, 2, तो 2 क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 इज दी आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपना अगला सवाल करते हैं हम। तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये भी जो एसएससी सीपीएसई एग्जाम में पूछा गया 2003 में। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है, गिवन दैट 10 टू द पावर 0.48 इज इक्वल टू एक्स, 10 टू द पावर 0.70 इज इक्वल टू वाई, एंड एक्स टू द पावर जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ जेड इज क्लोज टू भी निकालना, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना। ठीक है, तो 10 टू द पावर इतना दे रखा गया एक्स के बराबर, 10 टू द पावर 0.7 दे रखा गया वाई के बराबर, तो यहाँ पर देखो लिखा क्या गया, एक्स टू द पावर जेड इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्स कितने के बराबर, 10 टू द पावर 0.48, तो एक्स को जब मैं लिख देता हूँ 10 टू द पावर 0.48। ठीक है, 0.48 लिख दिया, इसका पावर कितना आपको, जेड है, और जेड कितने के बराबर है, जेड आपको किसी के भी बराबर नहीं, तो जेड को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, लिख दिया हमने ऐसे ही जेड। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, वाई स्क्वायर है यहाँ पे, वाई कितने बराबर है, इतने बराबर है ना, तो वाई का स्क्वायर है, तो वाई कितना हमारा है, वाई आपको 10 टू द पावर 0.7, और इसका क्या आपको होल स्क्वायर है, लिख लिया हमने। अच्छा, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10, और ये जेड इससे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना, तो कितना लिख सकते हैं हम लोग, 0.48 × z इज इक्वल टू, ये क्या लिख सकते हैं, ये भी गुना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर रहे तो 0.7 × क्या लिख सकते हैं, 2। अच्छा, दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होता है, सेम होता है, तो क्या लिखेंगे, 0.48 z इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 0.7 × 2। ठीक है, तो z की वैल्यू हमें निकालनी है, तो z की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे लिख सकते हैं 7/10 × 2, और इधर कितना आ जाएगा आपको, 0.48 नीचे आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 48, ऊपर में कितना चला जाएगा आपको, ऊपर में आ जाएगा 100, इसका डेसिमल वाला। ठीक है, ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये चला जाएगा आपको, ये आ जाएगा 24। ठीक है, ऊपर में कितना आ जाएगा हमारा, 70, और नीचे में कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, ये आ गया आपका z का वैल्यू। अच्छा चलो, और इसको और घटा लेते हैं, 35 लिख लिया हमने, और यहाँ पर कितना लिख लिया, 12। ठीक है, यहाँ पर कितना लिख लिया, 12। तो एक आप एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखने जाओगे तो कौन सा आ रहा आपका, 2 आ रहा, तो सेकंड क्या आ जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा, मतलब एक लगभग इतनी वैल्यू आएगी, 1.88। ठीक है,
तो फ्रेंड्स इसका आंसर कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल करते हैं हम। तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ 47.2506 इज इक्वल टू 4a + 7b + 2c + 5d + 6e देन द वैल्यू ऑफ 5a + 3b + 6c + d + 3e। ठीक है, तो चलिए ये अच्छा सवाल है और ये SSC CGL 2003 में पूछा गया था प्रीलिम्स में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया, अगर मैं इसको तोड़ूँ 45.2506 अगर इसको तोड़ा जाए कितना लिख सकते हैं, 45, ठीक है, और प्लस में कितना लिख सकते हैं, 0.2506 लिख सकते हैं ना। अच्छा 45 को और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 45 को और कितना लिख सकते हैं हम लोग, 40 और प्लस में कितना लिख सकते हैं, 5, ठीक है। आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, 0.2 प्लस यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 0.05 लिख सकते हैं, फिर प्लस 0.0006 लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको कितना लिख सकते हैं, 4 × 10 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 47 है, 45 नहीं है, ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना है। ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर लिख लिया 7, प्लस इसको कितना लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं ना, और इसको कितना लिख सकते हैं, 5/100, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 6/1, 2, 3, 4, 4 0 है, तो हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है, सबको बांट दिया। अब जो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ रहा था उससे क्या कर लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, इसको 4a लिख लिया, प्लस 7/b लिख लिया, प्लस 2c लिख लिया, प्लस 5/d लिख लिया, प्लस 6e लिख लिया, ठीक है। तो चलिए ये इक्वेशन से हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो जब कंपेयर करा हमने तो क्या पाया, ए जो है वो कितने बराबर है, देखिए ए कितने बराबर होगा, 10, बी जो है वो कितने बराबर है, 7/1 में कितना 1 है ना, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अच्छा सी कितने बराबर हो जाएगा, सी इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10 हो गया ना। अच्छा डी देखो, डी नीचे ही है तो डी कितने बराबर हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा आपको 100 के बराबर, और ई कितने बराबर हो जाएगा, 1/10,000, ठीक है। चलिए अब यही सबको हमको पुट कर देना है इसमें। देखो अब इक्वेशन क्या, 5a + 3b + 6c + d + 3, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5a + 3b + 6c + d + 3e, ठीक है। 5a मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लूंगा, 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50, 3 × b कितना हो जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा ना, 6 × c, c कितना लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 6/10, ठीक है, और d कितना है यहाँ पे, d है आपको 100, 3e कितना लिख सकते हैं, 3/10,000 लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये 50 + 3 कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 53, प्लस में कितना लिखेंगे, 0.6, प्लस में कितना हो जाएगा, 100, और प्लस में कितना लिख सकते हैं, 0.1234 0 है ना, 1 2 3 3 हो गया सबको, चलिए जोड़ देते हैं, तो 100 + 53 153, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 153, फिर डेसिमल आया, फिर 6, ये वाला 6, और 2 0 के बाद, 2 0 के बाद कितना हो जाएगा, 3, तो 153.603, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस कंपेयर करके उसका सॉल्यूशन हमें निकाल लेना था, ठीक है। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल करते हैं हम, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है जो कि FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 में पूछा गया था, ठीक है। तो देखो ये सवाल जो है ना, बस देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन है बहुत ही सिंपल ही है। देखिए इफ 2p/ p² - 2p + 1 इज इक्वल टू 1/4, p इज नॉट इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ p + 1/p, ठीक है, ये चीज हमको निकालना है, p + 1/p का वैल्यू निकालना। तो एक काम करते हैं ना, जो भी इक्वेशन दे रखा गया ना इसको पलट दो, मतलब ये वाले टर्म को क्या करो ऊपर लिख दो और ये वाले टर्म को नीचे लिख दो। उसी तरह इधर भी करना पड़ेगा, 4 को ऊपर 1 को नीचे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, p² ऊपर लिख दिया, -2p और प्लस में 1, और बटे में कितना लिख लिया यहाँ पे, 2p इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 4/1,
ठीक है। अब चलिए 2p से सबको डिवाइड कर दो, तो 2p से जब हम डिवाइड करेंगे तो इधर आते हैं तो कितना लिखेंगे, यहाँ पे p बटे में 2 माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और प्लस में कितना हो जाएगा 1 बटे में 2p, ठीक है, इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 4, 1 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने p बटे में 2 प्लस 1 बटे में 2p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, 1/2 बाहर निकाल लेते, 1/2 हमने बाहर निकाल लिया, कितना बच गया p प्लस 1/p इज इक्वल टू 5, तो p प्लस 1/p कितने बराबर हो जाएगा आपको 10 के बराबर, 2 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई जो 10 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, तो 10 इज दी आंसर, ठीक है। अच्छा ये चीज़ कर सकते हैं, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वो काम कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल करते हैं हम। तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये अगला सवाल जो ये भी काफ़ी सिंपल सा सवाल है। इफ 3x+3+7 इज इक्वल टू 250, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है कि 3 कितना लिखा गया, एक्स प्लस 3 प्लस में 7 है, इज इक्वल टू कितना 250 है, ठीक है। मैं 7 को उधर ले जाता हूँ, यहाँ पे 3x+3 बच जाएगा, और यहाँ पे 250 माइनस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा ना, 7 को इधर लेते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं 243, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3, और ये देखना आप ध्यान से, ये भी 3 का कोई ना कोई पावर आता है, ये 3 का कौन सा पावर आ जाएगा 5, तो बेस दोनों में सेम है तो पावर भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा एक्स का थर्ड, थर्ड जो होगा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल करते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, और मैं चाहूँगा कि पहले आप खुद से इसको बनाने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी अच्छा सवाल है। इसमें देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये अब तक का सबसे अच्छा सवाल है इस वीडियो में। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, इफ 1/4 × 2/6 × 3/8 × 4/5 × 4/10 × 5/12 × so on, और ये कहाँ तक चलता जा रहा है, 31/64 इज इक्वल टू 1/2 to the power x है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो यहाँ पे एक्स का हमें क्या बताना, वैल्यू बताना है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें बोल क्या रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी सिंपल सा सवाल है, अगर समझ जाए तो। इसको देखिए यहाँ पर कितना 1/4 लिखा है, और यहाँ पर गुना का साइन है, यहाँ पर कितना लिखा 2/6, ठीक है, यहाँ पर कितना लिखा फिर 3/8, और इंटू 4/ कितना है 10 है, और इंटू 5/12 है, ठीक है। और ये चलता जा रहा, और ये चलता हुआ जाके कहाँ तक चला गया, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसके पहले क्या हो सकता है देखो अब ध्यान से, तो यहाँ पे सीरीज एक चलता जा रहा, और यहाँ पे दो दो गैप है, तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हो जाएगा आपको 30/ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 62, और इंटू कितना आपका यहाँ पे 31/64 इज इक्वल टू 1/2 to the power कितना एक्स है। तो एक चीज़ आप देखना ध्यान से, ये इससे काट के कितना देगा 2 देगा, उसी तरीके से ये इससे काट के कितना देगा 2 देगा, उसी तरीके से ये काट के इसको कितना देगा 2 देगा, उसी तरीके से ये काट के इसको क्या देगा 2 देगा, उसी हिसाब से यहाँ पे भी कितना आना चाहिए 6 होना चाहिए, इससे काट के कितना देगा 2 ही देगा। तो अब यहाँ पर देखो ये भी इसको काट के कितना देगा 2 देगा, ठीक है। अच्छा ये कहाँ से कहाँ तक चलता जा रहा, 1 2 3 सब ऐसे चलते जा रहे, कहाँ तक जा रहे, 30 तक जा रहे हैं, और सब जगह क्या दे रहा 2 दे रहा है, तो इसका मतलब हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि 1/2 कितने हैं यहाँ पे 30 है ना, एक से ले कहाँ तक गए 30 तक गए, कितने सारे यहाँ पे 30 है, ठीक है। और यहाँ पर कितना जगह 1/64, 64 तो ऐसे ही रह गया, अकेला रह गया, इसको कोई नहीं काटा, और इज इक्वल टू कितना जगह 1/2 to the power x, ठीक है। अच्छा 64 जो होता है, 64 कितने पावर में होता है 2 का, 2 to the power अगर आप 6 लोगे तो क्या आ जाएगा आपको 64 आ जाएगा, ये आ गया 30, और यहाँ पर कितना लिखेंगे 1/2 to the power पूरा कितना लिखेंगे 6, और यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 पूरा का होल का x, ठीक है। 30 यहाँ पे 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 to the power 36 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 1/2 होल टू द पावर x, तो x कितने बराबर हो गया आपको 36, एक्स कितने बराबर हो जाएगा 36 के बराबर हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छा सवाल था ये, ठीक है चलिए बढ़ते हैं अपना अगला सवाल करते हैं हम। तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, अगला सवाल क्या है, द वैल्यू ऑफ
243 टू द पावर एन बाई 5 इंटू 3 टू द पावर 2n प्लस 1 बटे में 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 इज़। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। देखिए अभी अभी हमने निकाला था, इससे पहले वाले सवाल में मैंने बोला था 243 जो होता है वो 3 टू द पावर कितने से आ जाता है, 3 टू द पावर अगर आप 5 रखोगे तो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 5 इंटू 5 का पावर है ना, कितना लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, एन बटे में 5 है तो यहाँ पर कितना लिख रहेगा, एन बटे में 5। ठीक है, और इंटू आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन का साइन, 3 टू द पावर कितना है 2n प्लस 1। ठीक है, इतना ही लिख लिया हमने। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 2n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, पाँच पाँच यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। अच्छा अब इसको कितना लिख सकते हैं, 3 टू द पावर n इंटू, अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन क्या होता है, जब भी गुना में रहेगा तो बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर 1 लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से नीचे भी देख लेते, 3 टू द पावर 2n है और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 3 टू द पावर n, 3 टू द पावर n कैंसिल, 3 टू द पावर 2n और 2n यहाँ से भी कैंसिल। अच्छा इसका माइनस 1 है तो मतलब कितना होता है, 1/3, 3 अगर 1/3 है तो ऊपर चला जाएगा, या आप ऐसे देख लो 3 टू द पावर 1 और ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो गया 3 का स्क्वायर, और इसको कितना लिख सकते हैं फिर हम लोग, 9। तो 9 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी सीजीएल के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, देख लीजिए कब पूछा गया था, 2004 में, इसका आंसर कितना है, 9 है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल करते हैं। तो दोस्तों ये जो अगला सवाल है ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, और देख लेते हैं इस सवाल को कैसे हल की करना है हमें। ये भी 2004 में पूछा गया था, सीजीएल में पूछा गया था प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो देख लेते हैं सवाल क्या, इफ एक्स इज इक्वल टू 0.5 एंड वाई इज इक्वल टू 0.2 देन द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 0.6 इंटू 3y होल टू द पावर एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, देख लेते हैं सवाल, देख लेते हैं क्या है, यहाँ पर कितना है, रूट अंडर 0.6 इंटू 3y होल टू द पावर एक्स। ठीक है, चलिए करते हैं इसको, रूट अंडर 0.6 इंटू 3 इंटू वाई, वाई कितना है 0.2, यहाँ पर लिख लिया 0.2। ठीक है, और टू दी पावर एक्स कितना है, रूट फाइव, सॉरी 0.5। ठीक है, अब देखो ये कितना दे रखा गया आपको, 0.6 दे रखा गया। ठीक है, इंटू, और ये कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा गुना होके। अच्छा इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 0.5 को, 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 एग्जैक्टली कितना होता है, रूट ही होता है, तो इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, रूट 0.6 है, और इंटू में इसको भी कितना लिखेंगे हम लोग, रूट 0.6। दोनों गुना करते हैं तो दोनों गुना करेंगे तो रूट में ये भी है, रूट में ये भी है, दोनों गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 0.6। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था, और इसी वीडियो इसी क्वेश्चन के साथ, इसी सवाल के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आओगा और अच्छा भी लगा होगा देखने में। ठीक है, तो अगर जैसा भी आपका फीडबैक है प्लीज़ आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसी बनी है ये भी आप जरूर मुझे बताइएगा, और मैं इस वीडियो को, इस टॉपिक को कंटिन्यू रखूंगा, और चैप्टर वाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं एलजेब्रा के, मैं सारे क्वेश्चन जो मुझे लगेंगे कि बताने चाहिए और आपको जानना चाहिए, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो सारे क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों एट लास्ट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।